बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हसन एंड हुसैन किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ता कड़ी। इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए, दही हमें चाहिए 3 पाव, बेसन हमें चाहिए आधा कप, नमक हमें चाहिए हसबे ज़रूरत, हल्दी हमें चाहिए 1 टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च हमें चाहिए 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च हमें चाहिए हसबे ज़रूरत, सफ़ेद ज़ीरा चाहिए 1/2 टीस्पून, लहसुन की 1 पोथी चाहिए, अदरक चाहिए हसबे ज़रूरत, प्याज चाहिए 3 अदद दरमियाने साइज़ की, और साबुत लाल मिर्च चाहिए 4 से 5। सबसे पहले ग्राइंडर में हम डाल देंगे दही। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें बेसन। इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। लहसुन और अदरक अब हम इसे पीस लेंगे। सबसे पहले हमें कढ़ाई में डाल देंगे 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल। इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा पिंक करना है। और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ज़ीरा, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ी सी लाल मिर्चें, थोड़ी सी मैं डाल दूंगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और इसको चला दूंगी। इसके साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर जो मसाला हमने ग्राइंड किया, साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। पानी मैंने ग्राइंडर का पूरा एक जग इसके अंदर पानी का डाला है। इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्चें, हल्दी, मिर्चें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैंने कढ़ी के अंदर तकरीबन 5 गिलास पानी डाला है। अब इसके अंदर इसकी थोड़ी सी झाग ख़त्म हो जाएगी तो मैं इसे 1.5 घंटे के लिए लो फ्लेम पे पकने दूंगी। कढ़ी के कोफ्तों के लिए तो चीज़ें हमें चाहिए, 1/2 किलो हमें चाहिए बोनलेस चिकन, 1/2 टीस्पून हमें चाहिए काला ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हमें चाहिए सफ़ेद ज़ीरा, प्याज हमें चाहिए दरमियाने साइज़ की 1 अदद, साबुत धनिया हमें चाहिए 1/2 टीस्पून, नमक हमें चाहिए हसबे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए 1/2 टीस्पून, हरा धनिया हसबे ज़रूरत, अजवाइन हमें चाहिए 1/4 टीस्पून, हरी मिर्चें हमें चाहिए 7 से 8 अदद, और चिकन पाउडर हमें चाहिए 1/2 टीस्पून। हम सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा और साबुत धनिया को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट करने के बाद इसको पीस लेंगे। डाल देंगे चॉपर में चिकन। इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया और हरी मिर्चों को मैंने पहले ही धो दिया था। इसके ऊपर डाल देंगे प्याज। देंगे रोस्ट किया हुआ सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा और साबुत धनिया। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे अजवाइन, नमक, कुटी लाल मिर्च, चिकन पाउडर। मैंने प्याज, हरी मिर्ची और धनिया का पानी खुश्क करके इसके अंदर मैंने डाल दिया। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी के सारे कोफ्ते भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी।
अब हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं और हमारी कढ़ी की झाग भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसके अंदर डाल देंगे कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसे इस तरह से हिला दूंगी और इसे लो फ्लेम पर पकने दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। अब हमारी कढ़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर बघार लगा देते हैं। कढ़ी में तड़का लगाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, हस्बे ज़रूरत मैंने लिया साबुत धनिया, हस्बे ज़रूरत ही मैंने लिया सफ़ेद ज़ीरा, 1 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, आधी मैंने उसे काट ली है, 4-5 जवे मैंने लिए लहसुन के, उसको भी बारीक काट लिए। अब पैन में हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत ऑयल। मैं इसके अंदर डाल दूंगी प्याज, लहसुन और इसको हल्का सा ब्राउन कर लूंगी। इसके साथ मैं इसके अंदर डाल दूंगी जीरा और साबुत धनिया। अब हमारी कोफ्ता कढ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।